स्टार्टिंग एक्सरसाइज 13.7 सीबीएसई क्लास 9th वॉल्यूम ऑफ कोन टॉपिक रिलेटेड विद वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन कोन कैसा होता है उसका वॉल्यूम कैसा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिस इज शेप ऑफ कोन आर हो गया ये एच हो गया बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कुछ नहीं करना है केवल ये फार्मूला लगाना है पाई की जगह 22/7 आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर ए बी सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 7 सेंटीमीटर क्योंकि 3 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब और 3 2 6 7 7 गेट कैंसल 22 6 132 सेंटीमीटर क्यूब फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज सेम फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट इज सेम क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट आप कर लेंगे बिल्कुल सिंपल वैसे ही है पॉइंट है नीचे 10 लगा दीजिएगा बस फाइंड द कैपेसिटर ऑफ अ कॉनिकल वर्सेस रेडियस दे रखा है स्लांट हाइट दे रखा है उन्होंने सी कैपेसिटी कैपेसिटी मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम और खेल क्या बोलता है कि एक कोन दे रखा है जिस कोन का रेडियस है आपका 7 सेंटीमीटर इसको बोलते हैं स्लांट हाइट ये है स्लांट हाइट एल ये कितना है 25 सेंटीमीटर तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा आपको हाइट एल स्क्वायर इक्वल टू ये एल दिस एल हाँ एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एल उन्होंने आपको दे रखा है 45 सेंटीमीटर आर कितना आपका 7 सेंटीमीटर एच आपको नहीं दिया 25 का स्क्वायर देखो 7 स्क्वायर 45 स्क्वायर एच स्क्वायर 25 स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एच स्क्वायर 625 में से 49 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे यू विल बी गेटिंग 576 स्क्वायर फाइव कितना मिलेगा आपको 576 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एच स्क्वायर एच निकालने के लिए इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट एच आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर एच निकल गया आपका अब आपने इसका क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 आई आर स्क्वायर एच 1/3 की जगह 1/3 पाई की जगह 22/7 आर आर की जगह आएगा 7 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर हाइट जो भी हमने निकाला 24 सेंटीमीटर 7 7 गेट कैंसिल 3 8 24 राइट 22 7 154 इंटू 8 आठ जो कि 32 43 आंसर आ रहा हमारा 1 2 3 2 कितना आ रहा हमारा 1 2 3 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ रहा हमारा 1 2 3 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अगेन आई चेक 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7 एच कितना हमारा इसमें 24 सेंटीमीटर एच इज हाउ मच 24 सेंटीमीटर 3 3 गेट क्या है 3 8 24 7 22 7 154 आठ चौके 32 8 40 43 1 2 3 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर सॉरी क्यूब विल कम नॉट स्क्वायर अब इसका आंसर अगर पीछे लीटर में दे रखा है तो उसको 1000 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा और 1000 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.232 लीटर टू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इनटू लीटर राइट ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सेम इज सेकेंड पार्ट ठीक है सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही है नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हाइट ऑफ अ कोन इज 515 सेंटीमीटर वॉल्यूम दे रखा है हाइट दे रखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस सिंपल सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर आर हमें नहीं मालूम और एच मालूम है 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया 1570 उन्होंने पाई को ये लेने के लिए मना कर रखा था मैंने ये ले लिया गलत हो गया हमसे पाई की जगह क्या रखना है आपने 3.14 आर स्क्वायर इंटू 15 सेंटीमीटर जब जो दे रखा होगा वही लेना पड़ेगा 22.7 लेंगे तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा एक्यूरेट नहीं आएगा गलत माना जाएगा 1570 इंटू 3 आर स्क्वायर
3.14 इंटू 15। इन दो पॉइंट को हटाने के लिए मैंने ऊपर दो जीरो लगा दिए, पॉइंट कैंसिल हो गया। 314 ये कितना था, 5 जा गया, 5 3 15, 3 3 गेट कैंसिल, आर स्क्वायर 100 हो गया। देयरफॉर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10 सेंटी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें कह रहा है वो कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर 40 pi, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। अगेन सेम फॉर्मूला, गेम वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 pi r square h। ठीक है, वॉल्यूम दिया उन्होंने आपको 48 pi, 1/3 pi, और r उन्होंने आपको नहीं दिया, हाइट दिया उन्होंने, आर आपको नहीं दिया और हाइट दिया उन्होंने आपको 9 सेंटीमीटर। देखो ये भी पाए, ये भी पाए, ये क्या हो गया, कैंसल। अब आर स्क्वायर इक्वल टू 48 इंटू 3 अपॉन 9, 3 3 जा 9, 3 16 जा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 4 है तो जो डायमीटर होगा इसका डबल होगा, डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर वी हैव कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पूरा कर लिया। हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर, कॉनिकल पिट ऐसा है ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, डायमीटर 3.5 मीटर, 12 मीटर डीप, 12 मीटर गहरा है। तो उसकी कैपेसिटी किलो लीटर में कितना है, बस नया बात क्या है, किलो लीटर। वॉल्यूम लिखना है आपने इसका, अगेन 1/3 pi r square h, 1/3 pi। ठीक है, आर स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर 3.5 है तो रेडियस होगा 3.5/2। इस पॉइंट को हटाने के लिए जीरो, जीरो हट गया, समझ गया, डायमीटर को मैंने रेडियस बनाया फिर जीरो लगाया, इंटू एच, एच हो गया 12 मीटर। ठीक है, 1/3 pi का वैल्यू 22/7, 35/20 भी कितने बार, 2 बार, 12 मीटर आंसर आएगा, मीटर क्यूब, सब मीटर मीटर में मीटर क्यूब, 7 5 जा 35। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। अब यहाँ देखिए, ये आ गया हमारा 22 7 12, 4 3 जा 12, 3 3 कैंसल, और क्या बच रहा है, 22 7 154 अपॉन 4 कटेगा, फिर और कटेगा, 154 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 77 अपॉन 2, 77 अपॉन 2 का मतलब हो गया 38.5 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है। तो 38.5 मीटर क्यूब क्या आएगा, 38.5 किलो लीटर का। दिस इज योर आंसर, आंसर ने किलो लीटर में पूछा था। ये खेल हमारा ये भाई क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना है, 9856। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3। कुछ नहीं करना है इन सब क्वेश्चन में, केवल फॉर्मूले लगाने हैं आपको, फॉर्मूले याद करने हैं, प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूले लगाना है, प्रैक्टिस करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन 9856 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई, पाई की जगह लगाएंगे हम लोग इस बार 22/7, आर स्क्वायर, डायमीटर 28 सेंटीमीटर दे रखा है तो रेडियस हो गया 14 स्क्वायर। ठीक है, हाइट हमको नहीं दिया तो हाइट में ढूंढने तुमने एच लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9856 × 3 × 7 और ये 22 × 14 × 14। अब सिंपल कैलकुलेशन है, जिसको नहीं आता काटना पीटना उनको टेंशन हो जाएगी। टू आ गए यहाँ पर, अब यहाँ देखो
9856, मैंने एक और रूल सिखाता हूँ आपको, ये डिविजिबिलिटी बाय 11 का रूल है, 9 और 5 14, 8 और 6 14, ये भी 14, तो इसका मतलब ये 11 से क्या है, डिविजिबल है, 11 2 जो 22, 11 8 जो 88, 105, 11 9 जो 66, ठीक है। अब हम लोग ने क्या करा, ये 2, अब ये 14 है और ये 896, 14 5 जो 70, 14 6 जो 84, ये 14 6 जो 84, 5 6 56, 14 4 जो 56, 2 2 जो 4, 4 से काटेंगे ये कितना आएगा 16, 16 3 जो कितना आ गया हमारा 16 3 जो 48, ये आ गया हमारा 48 यूनिट आ जाएगा हमारा 48 सेंटीमीटर, हाइट निकल गया हमारा 6 का 48 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट। अब निकालना इसका स्लांट हाइट, देखो स्लांट हाइट निकालने आई एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच कितना लग गया आपका 48 का स्क्वायर और आर भी आपका पता है 14 स्क्वायर, ठीक है। अब खेल खेलेंगे हम लोग, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 196, 48 का 8 8 64 8 6 32 4 36 4 8 32 2 2 8 6 और 2 4 8 2 कितना आ गया हमारा 2 4 8 2, ब्रॉड चेक कर 8 8 64 6 32, 8 8 64 8 6 32 38, गलत आ रहा है, रॉन्ग हो गया, 48 का स्क्वायर हमारा रॉन्ग निकाला हमने, 8 8 64 4 8 32 4 6 16 3 19 4 8 9 10 10 3 13 2 3 0 4, ये आपका आएगा 2 3 0 4, 2 3 0 4 में इसको जोड़ेंगे 2304 2425 हो गया ये 2500, अब 2500 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर, तो स्लांट हाइट कितना निकल गया हमारा 50 सेंटीमीटर। उसका आखिरी वाला पार्ट निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, क्या बोला मैंने पाई आर एल, पाई कितना है 22/7, आर कितना है इसमें आपका आर, आर उन्होंने आपको दिया हमारा 14 और एल आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर, 52 जो 100, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या निकल गया कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ तक के क्वेश्चन हमारे, 6 तक के क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं कंप्लीट हो गया बेटा, कुछ नहीं करा है, केवल फार्मूला लगा है, फार्मूला के ऊपर हमारे आंसर्स हैं, आपने प्रैक्टिस करना है, फार्मूला याद करना है, जो याद करेगा अच्छी बात है, जो नहीं करेगा वो भी अच्छी बात है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा हमें राइट ट्राइंगल ए बी सी विद साइड 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले उसने ट्राइंगल दिया 5, 12 एंड 13 रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, इसके आप 12 के इर्द गिर्द क्या कर रहा है वो घुमा रहा है, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 13। और राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल इसलिए हुआ ये क्योंकि 13 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर है, 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बराबर है, 13 का स्क्वायर 169 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस पोपर, तो ये कितना डिग्री बना रहा है 90 डिग्री, 13 ही आएगा। ये बोल रहा है राइट ट्राइंगल द साइड 5, 12 एंड 13 रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ऐसे करके इसने क्या करा, ऐसे करके इसने इसको घुमाया और एक कोण बना दिया, तो इसका वॉल्यूम निकालना इस कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 πr² h, 1/3 π को पाई रहने देते हम लोग, ठीक है। आर कितना है इसमें, आर जो है होगा इसका 5 होएगा 5 का स्क्वायर और h कितना है इसका आपका 12 है, ठीक है। 3 4 जो 12, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया आपका 100 πcm². तो पहला आंसर तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का निकल गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि इस बार रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनिए, 13 यहीं पर रहेगा क्योंकि 13 तो क्या है
हाइपोटेन्यूज है। इस बार रिवॉर्ड अबाउट द साइड इसने बोल रखा है इन ट्राइंगल एबीसी एंड देन फाइंड द ये सॉरी ऊपर वाले में रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर था, मैंने इसे ये एक्चुअली मैंने 8th वाला कर दिया, ज़्यादा जल्दी में रह गया मैं, और ये नीचे 7th वाला कर रहा हूँ। ठीक है, ये बोला कि ऊपर वाले में का रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 होना चाहिए था, नहीं रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर का ठीक क्या रखा है, कन्फ्यूजन क्यों है इसमें। इधर ट्रायंगल एलिवेशन क्वेश्चन इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, अच्छा ये 5 आएगा इस बार क्वेश्चन नंबर 8 में, ये 5 है सॉरी ये 5 है और ये 12, थोड़ा कन्फ्यूजन हमें भी हो गया, 5 ये 12 ये। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, सेम बाकी सारी चीज़ कहानी वही ऊपर वाली। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस बार आर होएगा आपका 12 स्क्वायर, एच होएगा 5। ठीक है, 1/3 पाई 144 इंटू 5 348 का कितना हो गया 245, कितना हो गया 245। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू, इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, 8th का पार्ट में इन दोनों का आपको ये 8th है बेटा और ये 7th है, ये 7th है मतलब, और ये 8th वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ये देखो इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं, दोनों के वॉल्यूम बोले 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका है 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों कैंसिल, पाई पाई गेट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल, 25 जब 10 टू 12 जब आंसर आ गया 5:12, क्या आ गया इसका आंसर 5:12। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, अ हीप ऑफ अ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ डायमीटर 10.5, ये डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। सिंपल वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाए आर स्क्वायर एच, ये 10th में भी है बस 9th में इसका बेसिक थोड़ा उन्होंने फॉर्मूले आपको रेडी कराया, बाकी 10th में कराएंगे आपको, पाए आर स्क्वायर, आर क्या आएगा 10.5 डायमीटर है, रेडियस आएगा इसका आधा, इसका आधा होएगा 5.25 स्क्वायर, और एच कितना आएगा इसका 3 मीटर। अभी हम लोग थोड़े टाइम बाद इसके वीडियोस बनाएंगे बाकी और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, अभी तो मैंने केवल एनसीईआरटी कराया, बहुत लंबा चौड़ा था ये। ठीक है, पाई कितना हो गया हमारा 22/7 इंटू 5.25 स्क्वायर, मीन्स 5.25 को 5.25 से इंटू करना है, 1/25 = 12 2/5 = 10 5 2 6 2 5 2 10 6 16 4 5 2 7 5, कैलकुलेशन ज़रा ज़्यादा हो गया, 2 7 5 6 2 5, 4 प्लस के बाद डेसिमल 1 2 3 4 आ गया इंटू 3, 3 से 3 के कैंसिल, अब 7 का देखो यहाँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को उसने दिया मैंने 22 × 7 3 = 21 7 3 = 21, कितना बचा आपका 7 21 6 5 65 6 9 = 63 2 6 26 7 3 = 21 5 2 52 7 7 = 49 3 5 35, ये हमारा आंसर क्लियर आ रहा, बढ़िया। तो जो वॉल्यूम निकल रहा हमारा आ रहा हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम आ जाएगा, और अगर आप इसको पाई में ही छोड़ोगे एक आंसर तो ये निकल जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, और आपने पाई में ही छोड़ना है तो आपका आंसर आ जाएगा 20, ये हमारा कितना आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है आर हो गया हमारा 5.25 स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है इसमें हमारा 6 बोल रहे। ठीक है भाई, ये हमारा खेल निकल गया, आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट बोले फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस, कैनवस निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, एल क्या निकालना पड़ेगा एल, तो एल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा काम है इसमें, कैलकुलेशन दे रखा मैंने, आर स्क्वायर इज इक्वल एल स्क्वायर इक्वल टू
दिस स्क्वायर प्लस 5.25 स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर 9, ये 27.5625, 27 में 9 को जोड़ेंगे 26.5625। अब एल निकालना, इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट से क्या निकालना पड़ेगा, मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूँ अलग से पढ़ने में। 36.5625 36.56 36 का डबल 12 नहीं गया 0.25, अब 60 का डबल 120 125 जा, ये नहीं जा रहा, ये लगभग 6.04 आ रहा है, कितना रहा है 6.04 आ रहा है इसका 5.25 ठीक ही लिख रखा है वास्तव में, ठीक है 6.04 आ रहा है, 125 5 जा, ये 6.04 आ रहा है, एल की वैल्यू आ रही है हमारी 6.04 के अप्रॉक्स आ रही है, ठीक है। आपको निकाला फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास का मतलब आपको पाई आर एल वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, देखो कोन का फॉर्मूला होगा पाई आर एल, पाई की जगह पाई, आर की जगह 3, एल की जगह 6.04, एल हाइट आएगा आपका, ठीक है। हाइपरबीट इज ऑलमोस्ट डायमीटर एंड नंबर एंड हाइट इज फाइंड इट बाय द हिपोसिबल, एल कितना आ गया हमारा 6.04, आंसर हमारा नहीं आ रहा, अलग रहा है पीछे हमारा आंसर। हीप ऑफ वेट इज इन द फॉर्म व्हिच डायमीटर इज 1.5 हाइट इज 3 मीटर फाइंड इट बाय द हिपोसिबल, ये कितना आ गया आपका 18.04 पाई, कितना आ गया हमारा 18.04 पाई, ये हमारा पाई के टर्म में आंसर आ गया। तो हमने क्या निकाल दिया, इसका वॉल्यूम में निकाल दिया, इसको इंटू करो वॉल्यूम आ जाएगा, और ये पाई के टर्म में। दोबारा फिर समझाते हैं, अ हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन व्हिच डायमीटर इज 10.5 एंड हाइट इज 3 मीटर, कोन 10.5 ये है, तो ये हो गया 5.25, इसका आधा, ठीक है 5.25 हो गया, और आपका फॉर्मूला यही लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, हम 5.25 का स्क्वायर, एच कितना हो गया 3, 5.25 का स्क्वायर करा हमने, 5.25 को 5.25 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आया ये 27.5625, चार प्लस के बाद डेसिमल ये लिख दिया हमने। एक बार चेक कर लेते हैं हमारी कैलकुलेशन में कुछ गलती ना हो रही है, 5, 5, 12, 26 सही लिख रहे हैं वैसे तो, 2, 0, 0, 2, 5, 10, 4, 5, 2, 5, 10 सही है, 2, 6, 2, 5 5, 2, 10, 6, 16, 2, 4, 5 साहब ठीक ही निकाल रखा है, तब तो सही रहा है, 3 से 3 गेट कैंसिल, 22 से हमने इसको क्या करा, अच्छा अगर पाई के टर्म में देना है तो आंसर आ रहा है 27.5625 पाई, अगर पाई के टर्म में हम लोग दे रहे, ठीक है। नहीं तो हम लोगों ने क्या करा, इसको इसके साथ इसको काटा, ठीक है इसके साथ इसको देखो 22 इससे क्या कर दिया हमने मल्टीपल, क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा है पूरा, 3 से 3 कैंड 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 7, 3 जा 21, 6, 5, 65, 7, 9 जा 63, 2, 6 26, 7, 3 जा 21, 5, 2, 52, 7, 7 जा 49, 7, 7 जा 49, 3, 5, 35 मल्टीप्लाई करो आंसर निकल जाएगा। फिर हमने इसका एल निकाला, एल हमारा लगभग 6.04 आया, एल स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, एल हमारा 6.4, फिर पाई आर एल करके हमने इसका आंसर, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक लग रही है मुझे, आप इसे चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।